वालेकुम जी, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज की वीडियो है परफ्यूम्स पर, कि मेरे पास कौन सी परफ्यूम्स हैं, मेरे पास कौन सी परफ्यूम्स की कलेक्शन है। मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है। मुझे क्या ऑलमोस्ट सब लेडीज़ को ही अच्छी लगती हैं परफ्यूम्स, लेकिन कुछ परफ्यूम्स ऐसी होती हैं जो आपको इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि आप लाजमी उसको लेना पसंद करते हैं। मैं भी, आप यकीन करें कि जब मैं किसी मॉल में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे इतनी अट्रैक्ट करती हैं परफ्यूम्स कि मैं उन लेडी के पास जाके स्पेशल पूछती हूँ कि एक्सक्यूज़ मी, आपने कौन सा परफ्यूम लगाया। मुझे बहुत शौक़ है परफ्यूम्स का और मैं ख़रीदती भी हूँ, और कुछ मेरी गिफ्टेड हैं, कुछ मेरी बाहर से आई हैं, कुछ मेरी यहाँ से मैंने ख़रीदी, कुछ लोकल हैं। और कौन कौन से ब्रांड्स के हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी, उनकी प्राइसेस भी मेंशन करूँगी कि कौन कौन सी प्राइसेस हैं उसकी। इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं है, और अच्छी जो आप परफ्यूम चाहते हैं वो होती है लॉन्ग लास्टिंग, जो आपसे हमेशा आती रहे। कुछ परफ्यूम्स होती हैं जब आप लगाते हैं तो वो भग से उड़ जाती हैं, तो उन परफ्यूम्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। परफ्यूम्स वो अच्छी जो आप लगाएं तो आपसे हर वक्त आपसे खुशबू आती रहे, आप हर वक्त महकती रहें, ठीक है। सबसे नंबर वन परफ्यूम जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो है बियॉन्से। ये बियॉन्से परफ्यूम यहाँ पर पाकिस्तान में भी अवेलेबल, वैसे ये कनाडा से आई थी लेकिन ये यहाँ पर भी अवेलेबल है, और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़बरदस्त है खुशबू। भाई इसकी ना थोड़ी सी सिट्रसी और फ्लावरिश सी खुशबू है। मुझे ना सिट्रस बहुत पसंद है, सिट्रसी की खुशबू हमेशा मैं सिट्रस चेक करके ही लेती हूँ कि सिट्रस हो उसमें, क्योंकि वो खुशबू थोड़ी सी ना तेज़ तेज़ होती है और वो आपके नाक को बहुत भली लगती है। तो ये जो परफ्यूम है ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, दराज पे मैंने चेक किया था, दराज पे। ये ब्लू वाला तो नहीं है, लेकिन बियॉन्से के दूसरे हैं जो आई थिंक रेड बॉटल में है और एक पर्पल बॉटल में है, लेकिन उनकी खुशबू का मुझे नहीं पता। लेकिन अगर बियॉन्से के आपने लेने हैं तो बियॉन्से के आप आँख बंद करके ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। 3 से 4 हज़ार की रेंज में ये परफ्यूम है, क्योंकि एमएल्स का होता है, कुछ 100 ml होती है, कुछ 50 ml होती हैं, तो उनकी प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। हाँ, 50 ml कम होती है और 100 ml की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप दराज पे बियॉन्से शिमरिंग हीट लिखेंगी तो आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये होगी एक परफ्यूम। दूसरी जो परफ्यूम है ये है DKNY। इसका मैं बॉक्स आपको दिखाती हूँ। इसका जी ये वाला बॉक्स है, ये भी 4000 की परफ्यूम है, और ये छोटी सी, लेकिन इसकी जो खुशबू है ना वो भाई कमाल है, कमाल, बहुत ही प्यारी खुशबू है। और लेडीज़ भाई तुम लोग तो पागल हो जाओगी ये खुशबू सुन के, बहुत ही मज़ेदार है। ये भी ऑनलाइन आप चेक कर सकती हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल है, दराज पे तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर वो लोग इम्पोर्टेड परफ्यूम्स को सेल करते हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके ये लिखेंगी। मैं बल्कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर कॉपी करके आपने गूगल करना, ठीक है। आपको प्राइसेस भी पता चल जाएंगी प्रॉपर जो हैं, क्योंकि ये जो है ये है 30 ml, और 50 ml में भी है, 100 ml में भी है, तो उनकी प्राइसेस फिर आपको पता इंक्रीज़ हो जाती हैं। और ये परफ्यूम बहुत ज़बरदस्त है, ये अमेरिका से आई थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, आपको पता है बोनांजा सतरंगी, आई लव बोनांजा सतरंगी, और उनकी परफ्यूम्स मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। जब उनको हम लगाते हैं ना तो ये नहीं है कि बस 2-3 घंटों के बाद वो कपड़ों से उड़ गई हैं, नो, वो बहुत अच्छी हैं। ये माई सतरंगी परफ्यूम मैंने ख़रीदा था, तकरीबन कोई 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है ये नहीं आता, लेकिन अगर आप गूगल करें और किसी वेबसाइट पे चेक करें, हो सकता है कहीं से मिल जाए। ये बहुत ज़बरदस्त रिकमेंडेड है बोनांजा का, ये आपको मिल जाएगा 2500 में, और अभी का मुझे नहीं पता, मैंने 2500 का लिया था। अभी इसकी प्राइसेस, ज़ाहिर इसकी प्राइस कम हो गई होगी क्योंकि ये पुराना एडिशन है, ठीक है। माई सतरंगी ये ज़रूर लें। उसके अलावा मेरे पास जे डॉट का मेरे पास एसेंस है फॉर हर, ये भी तकरीबन 2200 से 2500 तक के दरमियान में है। ये 100 ml बॉटल है और 2200 से 2500 तक के दरमियान में है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी खुशबू सिट्रसी है और इतनी अच्छी है कि आप यकीन करें, मैंने जब भी ये लगाई है तो मुझसे लोग पूछे बगैर नहीं रह सके कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त है।
ठीक है, ये हो जी। गया। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो बहुत ही आजकल ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उन लड़कियों का, जो लड़कियों के बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं क्योंकि उनका स्कैल्प ऑयली होता है। तो ऑयली स्कैल्प स्कैल्प वाली जो लड़कियाँ होती हैं उनको हर रोज़ बाल धोने होते हैं, और कुछ लड़कियाँ बाल नहीं धोती क्योंकि वो कहती हैं कि हमें शैम्पू जब करेंगे तो बाल ख़राब हो जाएंगे हमारे। रोज़ाना शैम्पूइंग से आपको पता है ज़ाहिर है केमिकल होता है शैम्पू में, तो आपके बाल डैमेज हो जाएंगे। तो कुछ लड़कियाँ नहीं धोती लेकिन उनके बाल ना बहुत ग्रीसी होते हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये है टोनी एंड गाय का स्काई हाई वॉल्यूम है, ये 1,000 रुपये का। ये आपको शाहीन से भी मिलेगा, ये आपको डी वॉटसन से भी मिलेगा, और 1,000 रुपये का। और ये पता क्या है, ये है कि जब आप कहीं एकदम से आपको कहीं जाना पड़ गया और आपके बाल धुले हुए नहीं है तो आपको उस वक्त बाल धोने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह का आपको टेक्सचर देता है जैसे आपके बाल ऑयली है ना, तो अगर आप अपने बालों पर ये लगा लेंगी ना तो आपके बाल ऐसे हो जाएंगे फूले फूले, और आपके बाल ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने अभी धोए हैं बाल, आपके बिल्कुल जैसे धुले हुए बालों का जो लुक होती है ना सेम वैसी लुक इसकी आ जाएगी। धुले हुए बालों के गीले नहीं, ड्राई, जैसे हमारे धुले हुए बाल ड्राई हो जाते हैं, और कितनी अच्छी एक फ्रेश लुक आती है। तो इससे बालों की बहुत ही फ्रेश लुक आती है। ये आप लोगों के घर में लाजमी होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि कब इमरजेंसी हो जाए, कब कहीं जाना पड़ जाए। आपके बाल अगर गंदे हैं, ऑयली हैं, ग्रीसी हैं, तो आप इसका 2-3 स्प्रे सामने सामने करके और छोड़ दें, थोड़ी देर के बाद जब ब्रश करेंगी तो आपके बाल फ्रेश लुक में आ जाएंगे। ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। टोनी एंड गाय का वॉल्यूम, स्काई हाई वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा जो है वो है जी CK1, ये मलेशिया से आया था, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका देखे ना ढक्कन अलहदा से उन्होंने दिया हुआ है, और स्प्रे का जो जो स्प्रेयर है वो इसके अंदर, आप अगर इसको उतारना चाहें तो आप उतार सकती हैं। देखें आप यूज़ करके फिर इसका ढक्कन दे दें, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। सीके की परफ्यूम्स तो वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं, तो आप लोग भी ये मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। ये 3,000 तक का है, 2500 से 3,000 तक का दराज पे अवेलेबल है, ठीक है। दराज से आप लाजमी मंगवाएं। अच्छा, फिर उसके अलावा मेरे पास है बॉम्बशेल विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्बशेल। उफ़, आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी कितनी प्यारी खुशबू है। ये आप यकीन करें कि थोड़ा सा रह गया मेरा, इतना रह गया, और मैं इसको तबर्रुक की तरह यूज़ कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कि बस ये मैं यूज़ ना करूँ ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त है विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल। ये आप, ये थोड़ा सा महंगा है, ये वैसे मेरा गिफ्ट आया था, मैं ख़ुद भी यहाँ से ख़रीदना नहीं पसंद करूँगी क्योंकि ये 8,000 का है, यहाँ से ये 8,000 का मिलता है मेरा, ये अमेरिका से आया था, मुझे गिफ्ट मिला था, इस वजह से मुझे, मैं ये मैं भी रेकमेंड करूँगी लोग जो लोग ले सकते हैं वो ये ज़रूर लें, बॉम्ब शेल विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्ब शेल। और टॉमी, टॉमी गर्ल से कौन वाकिफ नहीं, टॉमी गर्ल सबको पता है, टॉमी गर्ल कितनी ज़बरदस्त परफ्यूम है। टॉमी गर्ल बहुत पुराना एडिशन है और बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम है भाई, और ये भी तकरीबन 4 से 5 हज़ार तक के दरमियान में है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो मैं परफ्यूम्स आपको बता रही हूँ ना, ये हाईली रिकमेंडेड है, यानी कि इन परफ्यूम्स में से आप कोई भी परफ्यूम ले सकते हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। अच्छा, ये सऊदीया से आया था, इसका नाम है ले पलाइस डेस परफ्यूम्स, यानी कि फ्रेंच है। ये उन लेडीज़ के लिए स्पेशल जो अबाया पहनती हैं, ठीक है। ये आया था साथ, इसके ये लोशन भी था, लोशन तो अब तकरीबन निश्ता 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 ख़त्म हो गया, और परफ्यूम भी बस थोड़ा सा रह गया, छोटी सी बोतल है, और इतना तेज़ परफ्यूम है, इतना तेज़ परफ्यूम है कि इसकी एक शीर लगाओ तो पूरे घर में इसकी परफ्यूम की खुशबू फैल जाती है, और इसका लोशन भी बहुत अच्छा है। जस्ट इतना सा ड्रॉप आप लोशन का भी लगाएं तो लगेगा आपने परफ्यूम लगाया हुआ है, इसकी परफ्यूम की खुशबू बहुत तेज़ है। ये भी आप दराज पे चेक करें, हो सकता है दराज पे हो, क्योंकि मैंने इसको चेक नहीं किया, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी, ये भी विक्टोरिया सीक्रेट का है टीज़, और देखिए इसकी कितनी मज़े का इसका, ये देखें किस तरह से इसका, ये देखिए ये है इसका स्प्रे, इसको यहाँ से प्रेस करो तो परफ्यूम निकलता है, स्प्रे निकलता है परफ्यूम का, ठीक है। ये देखें ये इस तरह का है, बहुत ही खूबसूरत, इसकी भी खुशबू बहुत ही सॉफ्ट सी माइल्ड सी खुशबू है, बहुत ज़बरदस्त है। आपको पता है इम्पोर्टेड परफ्यूम्स तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अब लास्ट एंड ऑल, मेरा प्यारा मस्क एहसास, ये बोनेंजा की जो इनॉग्रेशन हुई थी तब मैं लेकर आई हूँ,
और ये इतना ज़बरदस्त है, ये 1500 का है और ये इतना ज़बरदस्त है कि मुझसे कोई, मैंने एक दफ़ा लगाया तो मुझसे जो भी लोग मुझसे इसको लगाने के बाद मिले उन्होंने मुझसे स्पेशल पूछा कि आपने क्या लगाया हुआ है। ये है जी मस्क एहसास, इसका नाम है मस्क एहसास। अगर आप मस्क लेना चाहिए, ऑयल है, परफ्यूम ऑयल, जो परफ्यूम ऑयल्स होते हैं वो आप अपनी स्किन पे भी लगा सकते हैं, अपने कपड़ों पे भी लगा सकते हैं, और जो ऑयल्स होते हैं उनकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग खुशबू होती है और वो नहीं जाती आपके कपड़ों में से। अगर आप कपड़े भी धोएं ना तो ऑयल्स की खुशबू नहीं जाती, और इसकी बहुत प्यारी खुशबू है। और आँख बंद करके ख़रीदें मस्क एहसास बोनेंजा सतरंगी का, 1500 का है। सॉरी मैं इसका आपको कीमत नहीं बताई, टीज की कीमत है तकरीबन 6,000। ये भी आप चेक कर सकते हैं दराज पे, वैसे मैंने इसको चेक नहीं किया ऑनेस्टली बता दूँ। चलिए जी, ये तो थी मेरी परफ्यूम्स की कलेक्शन। आप लोग भी इस परफ्यूम्स को चेक करें, अगर आप ले सकते हैं तो आप ज़रूर ख़रीदें। और बहुत ही ज़बरदस्त है, जो लड़कियाँ इस वक्त मेरी परफ्यूम लवर्स जो हैं, जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रही हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ये परफ्यूम्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।